गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टेक आउट द पेज नंबर 96 मैथ्स बुक। पेज नंबर 96 यहाँ पे बोल रहा है सॉल्व द डिवीजन इनटू ग्रुप। ग्रुप में सॉल्व करना है। जैसे 144 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 12, तो 12 तक गिनती लिखनी है ना। 90 को 10 से डिवाइड करना है, 90 को 10 से डिवाइड करना है। 90 को 10 से डिवाइड किया तो 9 10 90 है ना, तो इसका आंसर कितना आया 10 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 10, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 यहाँ पे 9 और 9 टू जाए 18, 9 थ्री जाए 27, 9 फोर जाए 36, 9 फाइव जाए 45, 9 सिक्स 54, 9 सेवन जाए 63, 9 एट जा 72, 9 9 जाए 81 और 9 10 जाए 90 आ गया। अब सबको हमको राउंड अप कर देना है कि यदि हम 99 को प्लस करेंगे तो आंसर 90 आ जाएगा। आया? तो ये सबको आपको राउंड अप करना है। आप यहाँ 1500 को 500 से डिवाइड करना है। 1500 को 500 से डिवाइड करना है। तो इसका टेबल बना सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे 5 का टेबल बना है। ये सब 5 का टेबल है। बस अपने को दो दो जीरो बढ़ा देना, क्योंकि 500 में दो जीरो है। दो जीरो इधर बढ़ा दिए। अब देखिए कहाँ पे 1500 आया, ये रहा। कितने जा 3 सा 1500, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका आंसर आया 3 और लिखेंगे 1 2 3। 500 यहाँ पे, सेकंड वाले में भी 500, थर्ड वाले में भी 500। आपने इसको राउंड अप कर दिए, इसको भी राउंड अप कर दिए और इसको भी राउंड अप किया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, 1000 को 100 से डिवाइड करना है। 1000 को 100 से है ना। तो 100 बट 100 बन जा 100, 100 वन जा 100। ऊपर से क्या कैरी डाउन करेंगे, 0, 100 0 जा 0। आंसर कितना आया 10। अब हम उसको कितने काउंटिंग नंबर लिखेंगे, 10 तक। ये आ गया 10। अब यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ लिखे 100, राउंड अप कर दिए। फिर 100 तो कितना हो गया, 100 प्लस 100 200। फिर यहाँ 100 लिखे, 300। फिर यहाँ 100 लिखे, 400। फिर यहाँ लिखे 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में 40 को 8 से डिवाइड करेंगे और 8 के टेबल में 40 कब आता है, 5 सा 40। तो इसका आंसर आया 5। और काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, काउंटिंग लिखेंगे 1 से लेके 5 तक का। 1 2 3 4 5, इधर 8, इधर भी 8, 16, फिर 8, 24, फिर जोड़े तो 32, फिर 8 जोड़े तो 40।
अब ये जो जितने हैं ये सब चीज़ आपको खुद को बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। लेकिन ये इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। जैसे यहाँ पे 30 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर 6 आएगा, 6 तक गिनती लिख लेना। 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 गिनती लिखना। 48 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, और 24 तक गिनती लिखते रहना आराम से। तो आपका ये होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।